हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 का विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मलेरिया परजीवी वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर प्रतिजैविक है एस्ट्रेप्टोमाइसिन। घरों में आने वाला एक द्रव LPG, कौन सा द्रव है? LPG है। वह क्षेत्र जिसमें जीव अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं अभयारण्य कहलाता है। हैजा का कारक है क्या है? विषाणु है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। नीले हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ईंधन में के अपूर्ण दहन से विषैली गैस CO बनती है। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों में जलवायु के परिवर्तन कारण पलायन करते हैं। दहन रासायनिक परिवर्तन है और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन। ये हो जाएगा। फसल किसे कहते हैं? इसका उत्तर बताना है। फसल किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं ये बताना है। दहन किसे कहते हैं? रेड डाटा बुक क्या है? प्रवासी आप क्या समझते हैं? वनस्पति जगत जगत और प्राणी जगत में अंतर बताना है। लकड़ी चिड़ियाघर और अभ्यारण्य में क्या अंतर है? LPG लकड़ी से अच्छा ईंधन है, समझाइए। मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्ह नामांकित चित्र बनाना है। और ये है, सूक्ष्म जीवन से हमें क्या हानियाँ हैं, समझाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड से आगे आग कैसे नियंत्रित होती है। संकटापन्न और विलुप्त स्पीशीज से आप क्या समझते हैं? दीर्घोत्तरी प्रश्न है। सिंचाई कैसे कहते हैं? इसकी कोई दो विधियां लिखिए अथवा का ये है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए अथवा का जैविक खाद और उर्वरक के 5 अंतर लिखें। पेट्रोलियम निर्माण को समझाना है, ये तीसरा प्रश्न है। और अथवा में क्या है ये दे रखा है, अथवा का प्रश्न ये देख लेंगे। वन किसे कहते हैं? वनों से प्राप्त होने वाले उत्पादों के नाम लिखिए। अथवा में सूक्ष्म जीव हमारे मित्र और शत्रु हैं समझाना है। खरीफ और रबी फसल में क्या अंतर लिखना है? खरीफ और रबी फसल में जो भी अंतर हो बता देंगे। अथवा का ये है, सूक्ष्म जीवों का हमारे जीवन में क्या महत्व है इसे बताना है।